तो आ गए आप लोग, मैं आपका डॉक्टर भैया। आज मैं ऐसे एक शिव धाम के बारे में बताऊंगा जो हमारे महाराज जिले में काफ़ी विख्यात है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते इनके बारे में। हम बात करेंगे आज अपने जिले के बिजमनगंज क्षेत्र के बाबा प्रकटेश्वर धाम के बारे में। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पे जो एक बार आएगा आपको इतना शांति मिलेगा, इतना अच्छा ये मंदिर है। आप देख सकते हैं इतना विशालकाय शिवलिंग है, तो आपको मैं आपको दिखाऊंगा इस शिवलिंग के बारे में, धाम के बारे में क्या है। यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करने के लिए यहाँ की कहानी भी मुझे कुछ पता चली है, उस सब मैं आपको बताऊंगा। और क्या एरिया है, कैसा यहाँ का माहौल है, और यहाँ पे कब कैसा मेला लगता है या कब पूजा पाठ अधिक होने लगता है यहाँ पे, तो इस सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इस समय जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोनों साइड में, ये बाबा प्रतिष्ठेश्वर धाम का शिव धाम है। ये खरिंदा से लहरा बिजमन मार्ग के अंदर पूर्वी रोड पे जो उधर से बाजू की तरफ है, इस रोड पे बहुत प्राचीन काल से है। इसका एक सुंदर बागवान बगीचा है जहाँ सामने तालाब है, और काफ़ी यहाँ पे छठ पूजा होता है बहुत धूमधाम से। सामने एक तालाब है, यहाँ विशाल का एक शिव जी की मूर्ति लगा हुआ है। और ये उनकी सबसे खूबी बात है कि प्रतिष्ठा धाम काफ़ी जागता है, और काफ़ी यहाँ पे इसकी जो विभाग है यहाँ से काफ़ी पूर्वोत्तर विभाग जो है होते हैं, हमारे जो खनन विभाग होते हैं या पुरातात्विक विभाग होते हैं, यहाँ पे कई छोटे छोटे प्राचीन काल के टीले हैं जो अभी यहाँ पे कोई से हुआ नहीं है, जहाँ मैं जान रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, यहाँ पे आएंगे काफ़ी सुकून मिलेगा, आपकी इच्छाएँ भी पूरी होंगी। इसके साथ हम आपको दिखाएंगे प्रतिष्ठा धाम में श्री राम धाम भी छोटा सा बगल में है, काफ़ी सुंदर मंदिर श्री राम प्रभु का, लक्ष्मण सीता हनुमान जी के साथ बगल में ही उनके प्रकटेश्वर धाम, शिव धाम के बगल में ही सुंदर निर्माणाधीन है। और ये प्रकटेश्वर धाम खुद प्रकट हुए, इस नाते इनका नाम प्रकटेश्वर धाम है। और बताया जाता है कि इतना जब से ये मंदिर आया है यहाँ के लोगों में काफ़ी संपन्नता आ गई है, काफ़ी यहाँ लोगों में मतलब अच्छी अच्छी जो उनकी कुछ प्रॉब्लम थी उस समय प्राचीन काल में सारे दूर हो गई, और काफ़ी ऊँचे टीले से ये शिव धाम बसा हुआ है। और इसको बताया जा रहा है एक बार इस मंदिर को शिवलिंग को चुराने की भी बात स्थिति आ गई थी, कुछ लोग ऐसे थे खुले में थे इस प्राचीन शिव मंदिर को कहीं चुरा के ले आने वाले ले आना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। जितना उन्होंने खाना है, स्थानीय लोगों को बताना है कि ये शिवलिंग इतना जमीन नीचे बढ़ते चले गए, तब से यहाँ पे काफ़ी इनकी मान्यता हो गई। और इस चमत्कार को देख के वो लोग जो लोग इनको चुराने आए थे वो लोग भी हार मान के भाग गए, और स्थानीय लोगों ने बात फैली आके देखें तो काफ़ी नीचे तक शिवलिंग चला गया था। तो ये सब यहाँ की बातें जो मैं स्थानीय लोगों से पता चली है, बाकी यहाँ की तो ऐसे में हम बाबा प्रकटेश्वर धाम में हैं। ये बाबा प्रकटेश्वर धाम काफ़ी फेमस है महाराज जिले में, तो ये काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मंदिर है। पहले से ही हैं, आप अंदर थोड़ा देखिए। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इस मंदिर का बाबा प्रकटेश्वर धाम का ये तालाब है, यहाँ छठ अच्छे से मनाया जाता है, काफ़ी अच्छा ये तालाब भरा रहता है, तो गर्मियों के दिन में सूख गया है। यहाँ पे स्थानीय निवासी बता रहे हैं यहाँ पे छठ पूजा अच्छे से मनाया जाता है, और ये तालाब भरा रहता है, लोग स्नान करते हैं, जल यहाँ से चढ़ाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा एक ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसा मंदिर होना काफ़ी बड़ी बात है, तो हम लोग चाह रहे थे कि ये लोग देखें इस मंदिर को, जाने हमारा उद्देश्य यही था। काफ़ी अच्छा मंदिर है और लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जो बड़े लोग मंदिरों में दान करते हैं उस टाइप से यहाँ कुछ निर्माण करा दिए, काफ़ी अच्छा होगा यहाँ का माहौल। हम बाबा प्रकटेश्वर धाम में हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर आपको भोले बाबा के साथ बगल में श्री राम जानकी लक्ष्मण, ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर बना हुआ है बगल में, यहाँ आके काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो आपको ये मंदिर में जरूर आना चाहिए, इनके जस्ट बगल में प्रकटेश्वर धाम के बगल में श्री राम जानकी मंदिर, हम कहेंगे पूरा ये वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा मंदिर है श्री राम प्रभु का। मेरी जानकारी में महाराज जीवन जिले में काफ़ी अच्छा मंदिर ये है, और श्री राम मंदिर काफ़ी इस तरह अयोध्या में उस टाइप से काफ़ी अच्छा है, थोड़ा अंदर आके ले सकते हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा इधर सब ठीक ठीक प्रॉपर। Namaskaram Spurat Karana Bala Vyavani।
तो आप जरूर बताइएगा ये हमारा शिवधाम आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये मेरा शिवधाम या शिव जी का मंदिर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं उनको एक बार खाली सब्सक्राइब करना रहता है, यहाँ रेड कलर का एक बटन होगा और मेरे चैनल पे उसके साथ हिंदी में देखते होंगे तो वहाँ सदस्यता लिखा होगा, और इंग्लिश में देख रहे होंगे तो वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा। उस उसको बटन को दबाएंगे तो एक बेल आइकन घंटा खुल के आएगा, घंटी टाइम में उसको दबा देंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ज़रूर बताइएगा कि हमारे ये शिवधाम आपको कैसा लगा, और ये शिवधाम का मैं पता आपको बता दूँ, ये शिवधाम का पूरा नाम बाबा प्रकटेश्वर धाम देवघरवा इसका नाम है, ये ब्रिजमनगंज में है और ये काफ़ी सुंदर अच्छा मंदिर है। और मैं चाहूँगा कि आप सब पे महाकाल की कृपा बना रहे, और आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे ये शिवधाम या शिव जी पसंद आए हों तो लाइक शेयर कमेंट और सदस्यता ज़रूर लें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय बाबा प्रकटेश्वर नाथ।